गुड मॉर्निंग ऑल. इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर EE 301. हम आज जो टॉपिक में ट्रैक ट्रैक के इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ट्रैक भी थायरिस्टो फैमिली का ही एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है. और जैसे डायक है, डायक जो है उसी प्रकार ट्रैक का सिमिलर थोड़ा सा एडवर्जन है. अब इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम शुरू करते हैं. यह एक बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है. बाई डायरेक्शनल मतलब एसी सिग्नल में उसकी पूरी साइकिल के लिए, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ही में ट्रैक कंडक्ट करता है. और क्योंकि इसका फैब्रिकेशन सिलिकन यूज़ करके किया गया है तो यह सेमीकंडक्टर डिवाइस भी है. यह थायरिस्टर फैमिली का ही एक मेंबर है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया था जस्ट स्लाइड से पहले. ये पावर कंट्रोल के लिए काम आता है इन एसी सर्किट्स. एसी सर्किट्स में पावर कंट्रोल के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है. थ्री टर्मिनल डिवाइस है, तीन टर्मिनल्स होते हैं इसके, MT1, MT2 और गेट. कहीं बुक्स में कई जगह MT1, MT2 की जगह आपको NO1, NO2 देखने को मिलेगा. डायक जो था इससे जस्ट पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डायक को देखा. डायक दो टर्मिनल का डिवाइस होता है, इसलिए शायद उसका एडवांस्ड वर्जन आप ट्रैक को ले सकते हैं क्योंकि ट्रैक तीन टर्मिनल का डिवाइस है. डायक का नाम डाई एसी, डाई मतलब दो टर्मिनल का डिवाइस है जो कि एसी पे कार्य करने में सक्षम. इसी प्रकार ट्रैक है तीन टर्मिनल का डिवाइस है और एसी सिग्नल पर कार्य करने में सक्षम है. तो इस प्रकार डायक का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ट्रैक हमारे पास. MT1 और MT2 का अर्थ है मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट. अब देखते हैं ट्रैक की वर्किंग. इसका कंस्ट्रक्शन हम देखें एक बार पहले जिससे कि वर्किंग को समझना थोड़ा आसान रहेगा. कंस्ट्रक्शन पार्ट में ये नोट्स जो हैं उनका डायग्राम है. ये इसमें लेयर्स आप देखें, बिल्कुल बीच में है N1, उसके नीचे है P1. तो हम P1 से स्टार्ट करते हैं. P1, N1, P2 और N2. N2 देखिए आप कहाँ है, N2 है MT1 के नीचे और N3 है गेट के नीचे. ठीक है, MT1, MT2 और गेट, ये तीन टर्मिनल्स हैं ट्रैक के. MT2 P1 से कनेक्टेड है, MT1 N2 से कनेक्टेड है और गेट N3 से कनेक्टेड है. ठीक है, तो इसमें आप देखें हमारे पास तीन टर्मिनल्स हैं और चार लेयर्स हैं.
बेसिकली लेयर्स पांच आप कह सकते हैं, P1, N1, P2, N2, N3। ठीक है, तो हम फिर चलते हैं अपनी PPTs पर। MT2 इज पॉजिटिव, MT2 पॉजिटिव है और गेट करंट इज ऑल्सो पॉजिटिव। MT2 कौन सा टर्मिनल था? MT2 था नीचे की तरफ, जो टर्मिनल था जो P1 से कनेक्टेड था वो था मेन टर्मिनल 2। तो MT2 को पॉजिटिव किया है क्योंकि वो P से कनेक्टेड है ना। गेट करंट भी पॉजिटिव है, व्हेन गेट करंट पॉजिटिव है, ठीक है, गेट करंट इज पॉजिटिव। जब MT2 पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू MT1 के रिस्पेक्ट में, MT2 यदि पॉजिटिव है तो P1 N1 P2 N2 ये फॉरवर्ड बायस होंगे। कैसे, एक बार डायग्राम हम देखते हैं फिर से। ये देखिए P1 N1 P2 N2, देखिए MT2 पॉजिटिव है तो P1 को पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, N1 कंपैरेटिवली नेगेटिव वोल्टेज पर रहेगा, P2 और N2 को MT1 से नेगेटिव वोल्टेज प्राप्त हो रहा है और P2 जो है वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव वोल्टेज पर रहेगा। तो इसलिए P1 N1 एंड P2 N2 जंक्शंस फॉरवर्ड बायस होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। गेट करंट भी यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं गेट करंट पॉजिटिव है, सॉरी। अब हम देखें P2 N1 रिवर्स बायस रहेगा, गेट पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू MT1, MT1 नेगेटिव है उसके अपेक्षा गेट टर्मिनल पॉजिटिव है, तो गेट करंट जो है वो P2 N2 के थ्रू फ्लो करेगी। P2 N1 रिवर्स बायस रहेगा और गेट करंट P2 N2 के थ्रू फ्लो करेगी। देखें कैसे, P2 ठीक है, P2 N2 के थ्रू गेट करंट फ्लो करेगी। ये जो P2 और N2 है MT1 के नीचे। अब ये जो गेट करंट फ्लो कर रही है वो सफिशिएंट चार्जेस जब P2 लेयर में इंजेक्ट कर देगी, तब जो रिवर्स बायस जंक्शन N1 P2 है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा और ट्रैक कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक है तरीका ये ट्रैक को ऑन करेगा। दूसरा तरीका, MT2 पॉजिटिव है बट गेट करंट है नेगेटिव MT1 के रिस्पेक्ट में, गेट करंट फ्लो करेगी P2 N3 जंक्शन से और रिवर्स बायस जंक्शन N1 P2 ब्रेक डाउन हो जाएगा और ट्रायल कंडक्ट करना शुरू कर देगा। N1 P2 जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस होएगा और जब वो रिवर्स बायस होगा तो इस गेट करंट की वजह से वो ब्रेकडाउन रीजन में पहुंचेगा और ब्रेकडाउन होके फिर वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। इसके बाद है थर्ड मेथड, इसे
ऑन करने का। MT2 नेगेटिव है, ठीक है, बट गेट करंट पॉजिटिव है। गेट करंट IG P2 N2 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेगी। आई जो है वो P2 N2 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, देखिए आप P2 N2 जंक्शन है MT1 के नीचे, ठीक है, गेट करंट P2 N2 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि है नेगेटिव पॉजिटिव, गेट करंट इज पॉजिटिव। अब लेयर N2 इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट करेगी P2 लेयर में, जिसके परिणाम स्वरूप P1N1 रिवर्स बायस ब्रेकडाउन हो जाएगा और ट्रैक कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि सभी मेथड्स में अब तक जो हमने देखे हैं, सभी में ब्रेकडाउन होता है और डायोड कंडक्ट करना शुरू करता है। पर जंक्शन P1N1 रिवर्स बायस होगा और कंडक्शन शुरू होगा। अब देखें चौथा तरीका ट्रैक को ऑन करने का। दोनों MT2 और गेट करंट दोनों ही नेगेटिव हैं। N3 जो होगा वो एक गेट की तरह एक्ट करेगा। गेट करंट P2 से N3 की तरफ फ्लो करेगी। रिवर्स बायस जंक्शन P1N1 उसका ब्रेकडाउन होगा और P2N1 P1N4 टर्न ऑन हो जाएगा। P2N1 एंड P1N4, ये देखिए आप P2N1 P1N4 ये जो जंक्शंस हैं ये ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रैक हमारा ऑन कंडीशन में आ जाए। ऑन करने के पहले MT2 पॉजिटिव, गेट करंट पॉजिटिव, MT2 पॉजिटिव, गेट करंट नेगेटिव, MT2 नेगेटिव, गेट करंट पॉजिटिव, MT2 नेगेटिव, गेट करंट नेगेटिव, ठीक है। तो ये चारों तरीके हैं। इसमें जो जंक्शन रिवर्स बायस होगा ड्यू टू अप्लाइड पोलैरिटी या ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ MT2 एंड गेट करंट, जो भी जंक्शन रिवर्स बायस होगा उसका फाइनली ब्रेकडाउन हो रहा है और फिर जो ट्रैक है हमारा वो ऑन स्टेट पे आ रहा है। तो ये बेसिक ट्रैक के बारे में हमने आज इसकी वर्किंग देखी है, की कैरेक्टरिस्टिक हम एक बार देख लेते हैं। ये है ट्रैक की कैरेक्टरिस्टिक। गेट करंट यहाँ पर देखें MT2 पॉजिटिव है, वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे जैसे गेट करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब जल्दी से ब्रेक ओवर आएगा, जल्दी ब्रेक ओवर आ जाएगा। व्हेन MT2 इज नेगेटिव, जब MT2 नेगेटिव होगा तब भी यही कंडीशन है। IG2 की वैल्यू ज़्यादा है तो ब्रेक ओवर वोल्टेज पहले आ जाएगा, IG1 की कंपैरेटिवली कम है तो ब्रेक ओवर वोल्टेज थोड़ा सा बाद में आएगा। MT2 पॉजिटिव है तो भी और MT2 नेगेटिव है तो IG01 एंड इनकी जो वैल्यूज़ हैं गेट करंट्स की
इनके करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस जो है वो VB01, इनके अब्रप्ट राइज के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेजेस हैं ट्रायक के। थैंक यू।